देवकी नंदन जी, अब प्रश्न ये उठता है कि अदालत के सामने कोई भी विषय जो थोड़ा ऐतिहासिक है, 50 साल, 100 साल, 200 साल पुराना मामला है, हमने बाबरी में भी देखा वो मामला काफी पुराना था, वो सैकड़ों साल पुराना मामला था, वैसे मामले में ऐतिहासिक साक्ष्य कौन जुटाएगा, कौन लाएगा इतिहास से जुड़े हुए तथ्य कोर्ट के सामने कि भाई इस जगह का कैरेक्टर क्या रहा है, क्या है और क्या होना चाहिए, इस बारे में तथ्य कौन देगा? हम देंगे, आप देंगे, अदालतों के आदेश पे एजेंसियां देंगी, रिसर्चर्स देंगे, हिस्टोरियंस देंगे, कौन देगा? देवकी नंदन, पहली बात तो है कि ये लोग टीवी चैनलों पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इनको सरकारी एजेंसियों पर बिलीव नहीं, विश्वास नहीं। इनके बड़े बड़े नेताओं ने भी वही भाषण दिया है जिसको सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि इनको सरकारी किसी एजेंसी पर विश्वास नहीं है। और सनातनियों में यही फर्क है कि जो सरकारी एजेंसी कहती है, सरकारी एजेंसी जो कहती है हम उसी को मानते हैं, पहली बात। दूसरी बात, सर्वे में कहा गया कि ज्ञान वापी में भी अब क्या नाम है, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया। मुझे यही डर है कि मथुरा में जो ईदगाह है वहां भी कृष्ण भूमि पे ये लोग उस जितने भी चिन्ह हैं सनातन के, पुरातन जो मंदिर के हैं, उनको मिटाने का प्रयास कर रहे होंगे, इसका मतलब है। तो उस पर भी ध्यान रखा जाए, मथुरा में भी कृष्ण भूमि खतरे में है, इसका मतलब ईदगाह खतरे में है, तो वहां भी सनातन के चिन्ह नहीं ढूंढने को मिलेंगे। दूसरी बात, जो लोग ये कहते हैं कि सबूत, सबूत तो हमारे पुराणों में भरे पड़े, मथुरा के विषय में कोई बात तो करे, पुराण नहीं माने जाते कानून के अंदर, पुराण और कुरान को नहीं माना जाता। अरे कानून को तो मानिए, अरे कुरान को थोड़ा ही माना जाए, कानून को तो मानिए, कानून को मानिए, बीच में मत बोलिए, उनको अपना जवाब पूरा करने दीजिए, बीच में मत बोलिए, आपकी बारी आएगी जब आपसे सवाल पूछा जाएगा। देवकी नंदन जी, जल्दी से पूरा करिए जी। मैं फिर कह रहा हूँ, जितने सबूत चाहिए कि काशी विश्वनाथ की है उतने सबूत हिंदू संगठन देगा। अरे हम सबके अंदर देंगे, आप बोलने दीजिए हमको, जो जो कानून स्वीकार करेगा वो सारे सबूत देंगे, और आप पे बाबर का एक भी सबूत नहीं मिलेगा कि भारत पे बाबर का क्या मतलब। पुराण तो माने ही नहीं जाते, क्या कहते हैं उसके अंदर, वेद और पुराण और कुरान को तो माना ही नहीं जाता कोर्ट के अंदर। नहीं ठीक है, वो तो एक अधिकार है ना अपना पक्ष रखने का, कोर्ट करने का, इसको आप अधिकार को कैसे डिनाई कर सकते हैं। पीयूष हमारे साथ जुड़े हैं, पीयूष ये अब देखिए यहां पर सारी बातें आ गई हैं कि वो साक्ष्य कौन से होंगे जो कोर्ट के सामने जाएंगे और कौन से एडमिसिबल होंगे। क्या हर तरह के साक्ष्य रखने की आजादी हर पक्ष को होती है, मतलब उसमें पुराणों का, ग्रंथों का, स्क्रिप्चर्स का, जो लोक कथाएं हैं या फिर जो जो जिन्होंने बायोग्राफी लिखी है, औरंगजेब की भी बात, आलमगीरी की बात हो रही है, वो सारे क्या कोर्ट में प्रेजेंट करने लायक होते हैं, या फिर उसमें भी कोई क्राइटेरिया है कि भाई ये आएगा और ये नहीं आएगा? ASI के सिक्के आ सकते हैं लेकिन ASI की रिपोर्ट नहीं आ सकती, क्या ऐसा है क्या? यस सर, ऐसा है रवि। देखिए, ये सारी चीजें कोर्ट पर डिपेंड करती हैं कि कोर्ट किन आधारों पर बिलीव करता है, क्योंकि अयोध्या मामले में सारी चीजें आप देख चुके हैं कि जो शिलालेख थे उनके आधारों को, और ASI रिपोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दर्ज किया है। यहां पर ज्ञानवापी मामले में व्यास जी का जो तहखाना है उस पर जिलाधिकारी ने अपना कब्जा लिया था, और उसके बाद जो कोर्ट कमिश्नर का सर्वे हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे आधार हैं जो हिंदू पक्ष के पास हैं अभी, और उनका जिक्र किया जाएगा कोर्ट में। सीधे तौर पर मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखेंगे। रहा सवाल ASI सर्वे रिपोर्ट का, तो ASI सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट फैसला लेगी, कोई बाहरी व्यक्ति फैसला नहीं लेगा, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो या सामान्य व्यक्ति हो। कोर्ट को ही ये आधार तय करना है कि ASI रिपोर्ट कितनी पुख्ता है और उसके आधार जो प्रतीत आधार हैं वो कितने मान्य होंगे, और इन्हीं दोनों मसलों पर जो पक्ष होंगे और विपक्ष होंगे, यानी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, वो अपनी दलीलें पेश करेंगे और उनके क्रॉस जो होंगे एक दूसरे के, जो बहस होगी आधारों पर वो, और उसके बाद कोर्ट उन आधारों पर गौर करके अपना फैसला देगा। तो जो हर एक पहलू है उस पर कोर्ट ही गौर करेगा, ऐसा नहीं है कि कोई बाहरी व्यक्ति उस पर गौर करेगा। सही कहा आपने पीयूष, और बहुत अच्छे से आपने समझाया भी है, बहुत अच्छे से आपने समझाया कि अल्टीमेटली जो फैसला है, जो अंतिम निर्णय है, वो कोर्ट को लेना है, और कोर्ट सभी साक्ष्यों को ध्यान में रख करके निर्णय लेगी। अब मैं चाहूंगी इस चर्चा में रंगरेज साहब और शास्त्री जी को लाना। रंगरेज साहब, थोड़ा इंतजार तो करना चाहिए, देश की न्यायिक प्रक्रिया पर आपको भरोसा है ना? अगर कोर्ट सभी साक्ष्यों के आधार पर आगे कोई निर्णय लेता है, और मुस्लिम पक्ष को भी पूरा अवसर मिलेगा कि वो अपनी बात रखे, जिस भी पॉइंट से वो सहमत नहीं है उस पॉइंट के अगेंस्ट में वो अपना पक्ष भी रख सकता है, तो ये सब हो तो जाने दीजिए, पहले ही आप लोग रिपोर्ट को नकार रहे हैं।
देखिए मेरा कहना यह है कि बिल्कुल हमें कोर्ट पे पूरा संविधान पे और अपने कोर्ट पर पूरा विश्वास है, और हम अपनी लड़ाई जो है वो जमीन पे नहीं लड़ते, ना हम किसी का मंदिर तोड़ते। ये इतिहास है, जब से देश आजाद हुआ और आज तक किसी मुसलमान ने किसी मंदिर पे कोई दावा नहीं किया, ना कोई केस लिया। मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। शास्त्री जी, इनके जवाब के बाद, शास्त्री जी रंगरेज साहब के जवाब के बाद आप बोलिएगा। तो मैं एक बात, अंजलि जी एक बात और कहना चाहूंगा। तो बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, सब मुसलमानों ने उसका वेलकम किया और कोई विरोध प्रदर्शन किसी तरीके का कोई माहौल खराब नहीं हुआ। तो हम आज भी यही अपील करते हैं सभी लोगों से, जो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको जो है संयम बरतना चाहिए और कोर्ट पर अपना विश्वास रखना चाहिए। कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो सम्मान्य होगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने भाई से एक बात कहना चाहता हूँ कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो कोर्ट का सम्मान नहीं करता। इस प्रकार की बातें आप इस प्रकार की बातें करके आप कोर्ट के फैसले पर उंगली उठाते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस है, लॉजिक अगर हम देने लगे ये है किसी तरीके का कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और ऐसे लॉजिक से अधिक मुस्लिम कंट्री है और संविधान एक भारत है जो हिंदुस्तान है, और इस हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू अपनी आस्था को व्यक्त करने के लिए, अपने देवता की पूजा उपासना करने के लिए कहां पर जाएंगे? क्या मथुरा नहीं जाएंगे, अयोध्या नहीं जाएंगे, काशी नहीं जाएंगे? आप बताइए, क्या मक्का मदीना में जाएंगे? क्या रही है, क्या मक्का मदीना में जाकर के हिंदू वहां पर अपनी पूजा करेंगे? हमने तीन स्थान आपसे कहे हैं, श्रृंगार गौरी की जो की प्रारंभ सेल में एक बार होती है, हिंदुओं को पता ही नहीं स्थान ऐसा है। तो अयोध्या है तो लड़ाई की बात क्या? आप जो कह रहे हैं कि रोजाना होनी चाहिए, राजकुमार जी एक बार देवकीनंदन जी के पास मैं जाना चाहूंगा। देवकीनंदन जी, अब तो बात ये है, पूरा मामला ये है कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पक्ष हो, हिंदू मुस्लिम, वो लंबे समय तक कानून के दरवाजे को जाते हैं, खटखटाते हैं और फैसले का अंत तक इंतजार करते हैं, तो बात तो हो गई कि सभी लोग कानून का पालन करते ही हैं, संविधान का सम्मान करते हैं। आज 26 जनवरी है, लोग अदालतों को मानते हैं, आज भी उनकी आस्था है। तो फिर बार बार ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी आस्था नहीं है, हमारी है? कोई बाबरी का एग्जाम्पल देता है तो कोई शाबानो केस का एग्जाम्पल देता है, शाबानो में किसी ने नहीं माना तो कोई कह रहा है कि बाबरी में किसी ने नहीं माना। देखिए, हम एक बात मानते हैं कि किसकी आस्था है किसकी आस्था नहीं है ये वो जाने, उनका पर्सनल मैटर है, उस विषय पे हमारा कहने का मतलब नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान में मंदिर टूटते हैं तो हिंदुस्तान के हिंदू कभी भी उनके साथ में बात भी कहने नहीं जाते, और हमारे साथ में जैसा होता है कि हम पाकिस्तान में भी हमारे मंदिर तोड़ दिए जाते हैं, बांग्लादेश में हमारे मंदिर तोड़े जाते हैं, देवी देवताओं का अपमान होता है, औरों की तो बात छोड़ो, हमारे ही देश में कई जगह पर हमारे देवी देवताओं का अपमान होता है, और यही अपमान ही औरंगजेब ने किया था हमारे मंदिर तोड़कर, और हमको नीचा दिखाने के लिए किया था, सनातनियों को नीचा दिखाने के लिए किया था। मथुरा हो या अयोध्या हो या काशी हो, इन तीनों जगह जो उसने दुष्कर्म किया है वो सनातनियों की अस्मिता पर, आत्मा पर चोट पहुंचाई है। और तब तक अभी ये लोग सभी बातें कर रहे हैं भाईचारे की या किसी की भी, हम मानेंगे हम नहीं मानेंगे। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं, ये इनको मथुरा, काशी और अयोध्या, इन तीनों जगह में इनका कोई पीर पैगंबर पैदा हुआ है क्या? जी, अगर कोई हुआ है तो ये प्रमाण दे भैया, हमारे जो देवी देवता हैं वहां पर उसका प्रमाण हम दे रहे हैं। तो आपको अगर भाईचारे की बात करनी है, अगर आपको समाज में समानता की बात करनी है, तो मथुरा, काशी, अयोध्या, इन तीन जगह पे सनातनी कभी भी समझौता नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मथुरा हमारी थी, मथुरा हमारी है, मथुरा हमारी रहेगी, काशी हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी, इन तीन जगह पे उतना ही हमारा अटैचमेंट है जितना इनका मक्का मदीना में, जो समझौता हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाफिज साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, देवकी नंदन ठाकुर को आपने सुना, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम तो प्रमाण के आधार पर चैलेंज कर रहे हैं, क्या मुस्लिम पक्ष, रिपोर्ट के आधार पर ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मुस्लिम पक्ष आपसी भाईचारे की मिसाल देते हुए अपने कदम पीछे करेगा? आपका लास्ट कॉमेंट चाहूंगी। हमने आपसी भाईचारे की मिसाल बाबरी मस्जिद मामले में दे दी, बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, हमने मान लिया। बार बार हमारी आप सभी मस्जिदों में अपनी आस्था थोपेंगे तो हम साहब नहीं मानेंगे, और हम अगली अदालत तक भी जाएंगे और उसका भी इंसाफ हम देखेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मूर्तियां स्थापित हैं, अपनी बात रखे उपमन्यु जी, झूठी वो तो कह रहे हैं कि हम कानूनी लड़ाई अंत तक लड़ेंगे, अंत तक लड़ेंगे कानूनी लड़ाई।
हमारी संस्कृति में कभी भी, और हम लोगों ने, हिंदू समाज हो चाहे सनातन समाज हो, कभी भी कोर्ट का अवहेलना नहीं की है, कोर्ट के बारे में कोर्ट को चैलेंज नहीं किया है। जो कुछ भी हुआ है वो भाईचारे से हटके कोर्ट के निर्णय से हुआ है और आज भी कोर्ट के निर्णय से होगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मानिए वो लोग अपराधी थे, मानिए बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले अपराधी थे, कोई अपराधी नहीं था, अपराधी थे वहां पे बाबरी मस्जिद बनाने वाले, जो बाबरी मस्जिद जिन्होंने बनाया, जिन्होंने मुझे लगता है कि देखिए बाबरी मस्जिद बनाया वो अपराधी थे। अयोध्या मामले पे कोर्ट का निर्णय आ चुका है, कोर्ट का निर्णय हो चुका है। मुझे लगता है कि हम वहां ना जाके, उनके साथ जो मुद्दा है इस विषय उस पे हम रहे।